पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न संगठनों द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों का बदला लेने के लिए देश भर में जबरदस्त गुस्सा है, जिसके चलते पिछले 3-4 दिनों से देश के लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए हैं और आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह से मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में आर्य समाज और दूसरे धार्मिक संगठनों द्वारा एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। पुलवामा में शहीद भारतीय जवानों की आत्मा की शांति के लिए पूरे रीति रिवाज से हवन किया गया। ये आयोजन पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जो वो जाबाज जवान थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनको आतंकवादी कायराना हरकतों के द्वारा जिनको शहीद किया गया, उनके लिए आज भारत स्वाभिमान और आर्य समाज मुरादाबाद के तत्वावधान में एक शांति यज्ञ, श्रद्धांजलि सभा और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय को माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। और इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम उन वीर आत्माओं की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग भी करते हैं कि भारत सरकार शीघ्र अतिशीघ्र उन आतंकवादियों को और साथ ही साथ पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को नष्ट करने के लिए, कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सख्त कदम उठाए और आतंकवादियों के जो उनको पोषण करने वाले हैं, जो अलगाववादी तत्व हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही मैं आज इस संगठन के माध्यम से यह भी मांग करते हैं हम लोग कि कश्मीर में जितने भी अलगाववादी तत्व हैं और जितने भी ऐसी ताकतें हैं जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, उनको उनके किए की सजा दी जाए और जेलों में उनको डाला जाए। इस संगठन के माध्यम से हम ये मांग आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज करके कर रहे हैं।